वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। अभी जहां देश की जनता इरफान खान की मौत के गम से बाहर ही नहीं निकली थी कि फिल्म जगत का एक और बड़ा शख्स हमें छोड़कर चला गया। ऋषि कपूर लगभग 5 दशकों से इंडस्ट्री में सक्रिय थे और अपने अभिनय से सभी का दिल जीत रहे थे। लीड एक्टर के रोल में एक रोमांटिक एक्टर की छवि से बाहर निकलने के बाद ऋषि कपूर ने अपने करियर के दूसरे फेज में कई सारे कैरेक्टर रोल प्ले किए हैं। आइए बताते हैं ऋषि कपूर के करियर के कुछ शानदार रोल्स, जिसमें अपने अंदाज और लुक्स के बदौलत उन्होंने सभी को अपनी एक्टिंग का दीवाना कर दिया था। मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में ऋषि कपूर एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आए थे, जिसे टीचर से प्यार हो जाता है। फिल्म में ऋषि कपूर का रोल ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर छोटी उम्र में ही उन्होंने दिखा दिया था कि भविष्य में कितने शानदार एक्टर बनने वाले हैं। वो भी एक लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी और अपनी पहली फिल्म में ना तो सिर्फ उन्होंने अपने एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता था, बल्कि उन्होंने अपनी अदाओं से लड़कियों को भी अपना दीवाना बना लिया था। ये फिल्म साल 1973 में रिलीज हुई थी। अमर अकबर एंथनी, ये फिल्म साल 1970 में आई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना थे। फिल्मों को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया था। इस मूवी में ऋषि कपूर ने अकबर का रोल प्ले किया था। नीतू सिंह के साथ उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी। कर्ज, एक डांसर और एक रॉक स्टार, ऋषि कपूर की फिल्म भी बॉलीवुड इतिहास में किसी ट्रेंड सेंटर से कम नहीं मानी जाती। एक म्यूजिकल फिल्म मगर जरा अलग तरीके की, जिसमें संगीत के साथ भरपूर ड्रामा था। चांदनी, रोमांस की अलग ही कहानी लिखी गई थी। यश चोपड़ा की इस फिल्म में ऋषि कपूर और श्रीदेवी की शानदार जोड़ी और लाजवाब केमिस्ट्री थी। दो दूनी चार, एक बार फिर से नीतू कपूर और ऋषि कपूर की केमिस्ट्री सामने आई थी। मिडिल क्लास फैमिली की समस्या स्कूटर पर बैठे पूरे परिवार को लेकर जाते हुए ऋषि कपूर की छवि दिखी थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने बता दिया था कि लीड एक्टर के रोल के लिए ये जरूरी नहीं कि हीरो सिर्फ रोमांस करने वाला हो। एक लीड एक्टर के तौर पर रोमांस के अलावा भी और भी कई मुद्दे होते हैं जो दिखाए जा सकते हैं। अग्निपथ, ऋतिक रोशन वाली अग्निपथ में भी ऋषि कपूर का एक अलग ही अवतार देखने को मिला। राउफ लाला के रोल में ऋषि कपूर ने दिखा दिया था कि उनमें अभी और भी अभिनय बाकी है। उनके करियर का एक शानदार नेगेटिव रोल प्ले करके ये ऋषि कपूर की करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में अलग ही एक्सपोजर मिलना शुरू हो गया था। कपूर एंड सन्स, इस फिल्म में ऋषि कपूर ने एक ग्रैंडफादर का रोल प्ले किया था। ये किरदार भी उनको लीक से हटकर था, जो दर्शाता है कि एक्टर के अंदर कितने अभिनय की लेयर्स होती हैं। 102 नॉट आउट, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की जोड़ी को तो आपने ना जाने कितनी फिल्मों में देखा होगा, मगर 102 नॉट आउट भी बेहद खास फिल्म थी। एक 102 साल के पिता 76 साल के उनके बेटे की कहानी थी। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने अमिताभ बच्चन के बेटे का रोल प्ले किया था। मुल्क, मुल्क फिल्म उनके करियर की कुछ आखिरी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में वो एक मुस्लिम लॉयर के रोल में थे। फिल्म में उनके अभिनय की संजीदगी ने सभी को खूब प्रभावित किया था। फिल्म में तापसी पन्नू और रंजीत कपूर भी थे। इन फिल्मों के जरिए और अभिनय के जरिए हमेशा ऋषि कपूर हमारे दिलों में याद रहेंगे और हमेशा हम उन्हें याद करते रहेंगे। लेटेस्ट खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका क्या कहना हमारी वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएँ।